अनीश जी बहुत सारे सोशल प्रोजेक्ट्स करते हैं चंडीगढ़ में, बहुत सारे ग्रुप्स के साथ एसोसिएटेड हैं और ऐसी शख्सियतों को मौका देते हैं कि वो और भी सोशल कॉजेज के साथ जुड़ें। तो जितने भी हम कलाकार हैं, चाहे हम एक थिएटर में या टेलीविज़न में या फिल्म के किसी भी विभाग में काम कर रहे हैं, हमारी भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जैसे जैसे ही हम काम अपना बढ़ें या अपने काम के थ्रू सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकें, परहैप्स ऐसे सब्जेक्ट्स लेके जिनसे सोसाइटी को फ़र्क पड़ता हो, जैसे कोई भी बायोपिक बनती है, इंस्पायरिंग फिल्म बनती है, या किसी ना किसी वे में अगर आपकी आमदनी एक फिल्मों से या थिएटर से या किसी ज़रिए से बनती है तो आप फिर उसको किसी और सोशल कॉजेस में डाइवर्ट करें। अनीश जी, ऑन बिहाफ ऑफ द ऑडियंस मैं पूछना चाहूँगा कि आपके शहर में क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं, लोग उनके साथ कैसे जुड़ सकते हैं और किन ग्रुप्स को आप आगे लाना चाहेंगे? आई एम इनवॉल्व्ड विद रोटरी एंड रोटरी इज़ फैंटास्टिक। रोटरी एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है। द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ रोटरी इज क्या है कि ऑन द 1st of July एवरी ईयर पूरे बंदे चेंज होते हैं, ऑल द प्रेजिडेंट्स, ऑल द राइट फ्रॉम द टॉप सारे चेंज होते हैं। तो कोई करता धरता नहीं इसका, ये बोला ना रोटरी मेरी है, ऐसा कुछ नहीं है। हर साल लोग चेंज होते हैं, इस साल मैं प्रेजिडेंट हूँ, अगले साल अगले पहली जून को, पहली जुलाई को समी एस एल का। एंड वी डू लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो एक प्रोजेक्ट हम कोशिश कर रहे हैं, अभी होएगा क्योंकि होएगा पता नहीं। देर इज समथिंग कॉल्ड किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स क्या होता है, वेरी पेनफुल। तो जब किडनी स्टोन होता है ना तो डॉक्टर आपको टेस्ट करता है, अगर स्टोन छोटा है वो बोलता है यार बियर पियो, पानी पियो, आपके यूरिन में निकल जाएगा, या दैट्स अ ट्रैक्ट। लेकिन अगर स्टोन बड़ा है या आपका यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लॉक कर रहा है, देन यू आर ट्रबल। क्योंकि कई बार किडनी स्टोन से इट कैन रिजल्ट इन डेथ, किडनी फेलियर हो सकता है। तो अलग अलग तरीके, अगर बड़ा किडनी स्टोन है तो उसकी सर्जरी हो सकती है, एंडोस्कोपी हो सकती है। देयर इज वन थिंग कॉल्ड लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्या है कि बाहर से, मतलब कटपट नहीं होती उसमें, बाहर से साउंड वेव्स के थ्रू वो स्टोन को छोटा छोटा तोड़ देते हैं और फिर वो आपके यूरिन में निकल जाता है। हर तरीका स्टोन नहीं हो सकता, डिपेंड्स ऑन द कॉम्पोजिशन स्टोन, पर बहुत सारे स्टोन ऐसे हो जाते हैं। नाउ जो तो बड़े शहर हैं, चंडीगढ़ है, बॉम्बे है, उधर तो लिथोट्रिप्सी मशीन अवेलेबल है, क्योंकि 1 crore rupees लगता है सेटअप करने में, तो डॉक्टर लगाते नहीं है। चंडीगढ़ में है, पीजीआई में है, 2-3 प्राइवेट लोगों के पास। मेरा एक दोस्त है अहमदाबाद में, वो यूरोलॉजिस्ट है, बड़ा माना यूरोलॉजिस्ट है, उसने कोई 40,000 किडनी ट्रांसफर सर्जरी की हुई है। उसके फादर है डेड ऑफ रीनल फेलियर बिकॉज ऑफ किडनी स्टोन्स जब वो पढ़ रहा था अभी। तो वो बोलता है यार मैं बड़ा तंग था कि छोटे गांव, छोटे शहरों में भी ये लिथोट्रिप्सी अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि नहीं अवेलेबल होता। तो उसने 12 साल क्या किया, एक वैन खरीदी, वैन में लिथोट्रिप्सी मशीन फिट की, टुक केयर ऑफ द मेडिकल लीगल रिक्वायरमेंट, टुक केयर ऑफ द रेडिएशन लेवल्स, और ये वैन गुजरात में जाना शुरू कर दी। एंड टुडे 200 डॉक्टर्स यूज दिस सेम लिथोट्रिप्सी मशीन। तो मैं उसको बोला यार अच्छा, एंड ही इज इन माय बुक, दैट इज हाउ आई नो अबाउट दिस। तो मैं इंटरव्यू करने गया उनको, तो मैंने बोला ये फ्री करते हो कि पैसे चार्ज करते हो? तो मेरा बड़ा अच्छा सबक दिखाया, मैंने बोला देखो ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट करो तो यू मस्ट मेक श्योर एटलीस्ट ब्रेक सी। तो कहता हम पैसे चार्ज करते हैं, कुछ को चार्ज करते हैं, कुछ को फ्री करते हैं, लेकिन जो चार्ज करते हैं उसमें भी जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें भी सस्ता करते हैं। एंड टुडे इज गॉट 3 ऑफ दीज एम्बुलेंसेज गोइंग अराउंड इन गुजरात। कहता मैंने एक पैसा इसमें निकाला नहीं, मैंने री इन्वेस्ट किया ऑलवेज। तो मैं जब रोटरी का प्रेसिडेंट बना बोले यार तो हमारा काम है, तो हम करना चाहिए। हमारा इधर तो डिस्ट्रिक्ट है, तो रोटरी डिस्ट्रिक्ट है, इधर देहरादून तक है, उधर थोक तक है, खरड़ तक है, तो हम लोग भी और जाएँ टाउन टू टाउन और ये लिथोट्रिप्सी करें। अच्छा हम डॉक्टर नहीं है तो इसमें तकलीफ बड़ी हमारे को, पैसा इकट्ठा करना बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। तो कर रहे हैं अभी, लेट्स सी हो जाएगा। तो एक तो हमारा लिथोट्रिप्सी प्रोजेक्ट है जो हम कर रहे हैं, दूसरा डेंजर डार्क जो इनके साथ में कर रहे हैं, ये भाई साहब के साथ में। अच्छा बड़े बहुत ग्रुप मिलते हैं हमारे को, जैसे इनका ही म्यूजिकल ग्रुप कॉल्ड द म्यूजिकल आइस। ये इनका म्यूजिकल ग्रुप है विजुअली चैलेंज लोगों का जो गाने गाते हैं, और मैं शुरू से इनको बोल रहा हूँ कि उसका एक ट्रस्ट फॉर्म करो, क्योंकि लोग बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत बैठे थे अपने चंडीगढ़ में जो फ्री में तुम्हारे से काम करते हैं। फ्री में मत करो, चार्ज करो, वैल्यू तभी बढ़ेगी। तो ये अभी होपफुली मैं पिछले 6 महीने बताओ बन जाएगा
ऑन द वे मैं 6 महीने हो गए सुनते हैं, तो होपफुली ऑन द वे कड़ी पार हो जाएगा। एंड दे प्ले फैंटास्टिक म्यूजिक, इनका एक ग्रुप मेंबर हैज कट हिज कट गया रिकॉर्ड, उसको आने वाला उसका लॉन्च होने वाला। अच्छा उसका डिटेल बता दें फेसबुक और उसका। हमारा जी फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे पेज है, द म्यूजिकल आईज के नाम से है। आप इसको ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, हमारी भी आज एडवर्टाइजमेंट हो गई है। और हम प्लेस भी करते हैं, अगर आज से हमने अभी एक हमने प्ले किया था आईज दैट सी, जिसमें हमने आँखों से रिलेटेड जितने गाने हैं उनको लेके हमने एक मैशअप बनाया था और उस पर एक्ट किए थे, वो बहुत अच्छा हमारा प्ले गया था 2015 में हमने। आप तो सभी थिएटर से जुड़े लोग हैं, शाहिद नदीम ने प्ले लिखा था बुल्ला, पाकिस्तानी राइटर हैं, उन्होंने बुल्ला लिखा था, वो हमने प्ले किया था। और उसके हमने 4-5 शो चंडीगढ़ में किए थे, इसके अलावा गुड़गांव में, शिमला में, काफ़ी जगह वो हम परफॉर्म करके आए थे। वो हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा रहा था। तो आप हमारे इस चैनल को, इस पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, द म्यूजिकल आइज के नाम से हमारा ये पेज है।